नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी जासूस में। फाइनली एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर से बड़ा धमाका, एक धमाकेदार टीजर के साथ पोस्टर किया गया रिलीज। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप रामचरण, एनटीआर और अजय देवगन के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले साल की स्टार्टिंग में एक ऐसी फिल्म आने वाली है जो पूरे इंडियन सिनेमा को चुनौती दे सकती है। बता दें कि अब तक इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली 2 है। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी हर जगह पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया था, और आखिरी बार जिस तरह से बाहुबली 2 को लेकर बज देखने को मिला था, ऐसा ही बज हमें ट्रिपल आर फिल्मों में देखने को मिल रहा है। बता दें कि बाहुबली 2 और ट्रिपल आर दोनों को डायरेक्शन एसएस राजामौली ने दिया है। वैसे तो ट्रिपल आर फिल्मों को हर लैंग्वेज में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन फाइनली ये फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया है। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अजय देवगन फिल्म्स नाम के चैनल पर देख सकते हैं, और हमने वीडियो की शुरुआत में भी थोड़ी सी टीजर की झलक दिखाई है। बता दें कि ये टीजर की शुरुआत रामचरण की एंट्री से होती है, और फिर हमें नजर आते हैं एनटीआर। हालांकि इस टीजर में उनके फेस नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये टीजर सिर्फ फिल्म के लोगो का है, लेकिन टीजर में हम देखेंगे तो रामचरण और एनटीआर की कई सारी झलक नजर आएगी जो कि काफी दमदार है। 1 मिनट और 15 सेकंड का ये टीजर आपको काफी पसंद आएगा। अब बात करते हैं फिल्म के बारे में, तो ये फिल्म में लीड रोल में एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट जैसे कई सारे दमदार कलाकार होंगे। फिल्म को डायरेक्शन दिया है एसएस राजामौली ने, जो पहले भी इंडिया में बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। फिल्म की कहानी लिखी है केवी विजयेंद्र प्रसाद ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया है डीवीवी दनैया ने, और ये फिल्म में म्यूजिक एमएम केरावानी का रहने वाला है। अब बात करते हैं फिल्म की रिलीज डेट पर, तो ये फिल्म 8 जनवरी 2021 को रिलीज की जाएगी, यानी कि 2021 के स्टार्टिंग में ट्रिपल आर फिल्मों को देश भर में हर लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। वैसे ये फिल्म एक तेलुगु फिल्म है जिसका बजट तकरीबन 350 से 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब बात करते हैं फिल्म के कैरेक्टर की, तो ये फिल्म में एनटीआर कोमाराम भीम का किरदार निभाएंगे, और रामचरण बनेंगे अल्लूरी सीताराम राजू, और आलिया भट्ट ये फिल्म में सीता नाम का कैरेक्टर निभाएगी, और अजय देवगन का ये फिल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस होगा। बता दें कि ये फिल्म की शूटिंग 2018 से चल रही है, और ये फिल्म को हैदराबाद और वडोदरा में शूट किया गया है। तो यार आपको कैसा लगा ट्रिपल आर का टीजर, वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें।